कुछ संस्कार नहीं बच गया है आप है? संस्कारों बचा है क्या आपको? पूरा बिहार थू थू कर रहा है, पूरा हिंदुस्तान थू थू कर रहा है, और क्या क्या कहते हैं, क्या समझे हैं? अरे क्या समझे हैं हमरा जी, हम लोग को है फ्लावर नहीं है, फायर है, फायर समझे ना। कहते हैं किसी को फंसाते नहीं बचाते। हम लिपि सिंह का वीडियो वायरल किए, सारा ऑडियो वायरल किए, 47 सब चीज का वीडियो वायरल किए। विधानसभा के अंदर नीतीश कुमार ने जिस तरीके से विजय सिन्हा के साथ किया, इसके बाद से आरजेडी के प्रवक्ता बंटू सिंह अब सामने आए हैं और उन्होंने खूब खरी खोटी नीतीश कुमार को सुनाई है। क्या कुछ कहा है प्रवक्ता बंटू सिंह ने, वो सुनिए। गजब करते हैं आप, धूम धाम क्या क्या बोल रहे हैं। अपने आप को कहते हैं कि हम ऐसे हैं और कुछ संस्कार नहीं बच गया है आपको है? कुछ संस्कारों बचा है क्या आपको? पूरा बिहार थू थू कर रहा है, पूरा हिंदुस्तान थू थू कर रहा है, और क्या क्या कहते हैं, क्या समझे हैं? अरे क्या समझे हैं हमरा जी, हम लोग को है फ्लावर नहीं है, फायर है, फायर समझे ना। परशुराम और एगो बोल रहा है भौं भौं सिंह बुलडोजर लेके चलेंगे। मैं बता दे रहा हूं, मैं चैलेंज के साथ कि विधानसभा खत्म होगा, मैं राम सूरत राय मंत्री जी के पास कागजात लेकर के जाऊंगा जो रोकवाए हुए हो। इसी के लिए अफसर का पक्ष लेता है तुम लोग, मुख्यमंत्री लेते हैं अफसर का पक्ष। और मैं एक बात और कह देना चाह रहा हूं कि मैं एक ऑडियो वायरल करूंगा, उसमें सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, जिसमें ये भौं भौं सिंह और ललन सिंह क्या बोलता है, नीतीश कुमार क्यों इतना अफसर के पीछे पड़ा हुआ है हम जानते हैं, क्यों अपने आप को अथी बनाए हुए है, सारा चीज है मेरे पास। क्या समझते हैं आप है? मैं लूंगा, मेरा समाज लेगा, सारा हिसाब किताब लेगा, बाबा परमेश्वर का, राजू बाबू का, हमारे माननीय विधायक अनंत बाबू का। अरे हम तो कहते हैं किसी को फंसाते नहीं बचाते हैं। हम लिपि सिंह का वीडियो वायरल किए, सारा ऑडियो वायरल किए, 47 सब चीज का वीडियो वायरल किए। कहा गया आपका है? और आए हैं अथी करने के लिए, खाली हमारा समाज को नीचा दिखाने के लिए। अब मेरा समाज नीचे होने वाला नहीं है। कहते थे कि लालू जी किसको बेइज्जत किए, बताओ मेरे समाज के लोगों को किसी को बेइज्जत किए? उनके राज में मेरा समाज बढ़ा है, कभी नहीं झुकने, किसी को नहीं कथी किए हैं, सारा लोग को लेके चलने का काम किया। कोई लोग तो कहा कि बच्चू तो राजनीति कर रहा है, राजनीति कर रहे हैं हम, सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, झुकेंगे नहीं है? झुकेंगे, तुम झुका देगो हमको है? नहीं झुकेंगे, क्योंकि मेरे साथ देख लो दाएं और बाएं कौन है, समझ गए ना। होश में रहने का काम कीजिएगा, सरकार किसी का नहीं रहता है, समझ गए ना। अरे बुढ़ारी आ गया है, जरा बुढ़ारी का असर चढ़ गया है का है? अब ज्यादा नहीं बोलेंगे, और एक बात बताते, होशियार हो जाइए मुख्यमंत्री जी। आपने सुना, आरजेडी के प्रखर प्रवक्ता हैं बंटू सिंह, जिन्होंने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खरी खोटी सुनाई है। वहीं पूरी आरजेडी की आप बात करें तो पूरी आरजेडी जो है वो बीजेपी और विजय सिन्हा के साथ खड़ी होती दिख रही है, और साफ तौर पर कह रहे हैं आरजेडी के नेता कि नीतीश कुमार को माफी मांग लेनी चाहिए अगर लोकतंत्र को बचाना है तो। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विजय सिन्हा से माफी मांगेंगे, ये देखने वाली बात होगी। आप बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ।